मरियम खान बचपन से रिपोर्टर बनने का सपना देख रही थी, वो रिपोर्टिंग करना चाहती थी, लेकिन किस्मत देखो वो टैक्सी ड्राइवर बन गई, अब टैक्सी चलाती है। लेकिन हाँ, हर सीरियल की नायिका की तरह वो जासूसी भी करती है। ये जानकर, ये देखकर खुशी होती है। आपको होती है? फिर लौट आई है उसी जगह जहां कभी उसका बचपन बीता था, जहां मरियम अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके अम्मी अब्बू की यादें और बचपन आज भी इस कमरे में मौजूद है। हमेशा से उसे ये बताया गया था कि उसका फिरदौस महल अब खत्म हो गया है, उसकी फैमिली मर गई है, बट वो अब्बू के क्लू से आती है यहाँ पे। देन वो फिरदौस महल में अब उसे पता चला है कि सब लोग हैं, बट उसे कोई पहचान नहीं पा रहा। वीरान सा हुआ मरियम का ये कमरा, उसके लिए आज भी जीती जागती यादें हैं जो वो अपनी बीजी को बता रही है। ये देखो बीजी, मैं अपने कमरे में हूँ, मेरे कमरे में, ये बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा। लेकिन इस खुशी के साथ ही मरियम को आज एक सदमा भी लगा है, अपने अब्बू की कुछ तस्वीरें देखकर। 9 साल बाद उस पेन ड्राइव में, जिससे उसे लगा कि वो अब्बू के पास पहुंच सके, कि उसी में ऐसा, मतलब यू नो, टेररिस्ट के कुछ वीडियोस है, पिक्चर्स है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो टेररिस्ट है, तो उसे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे पापा ऐसे कैसे हो सकते हैं। अब मरियम करे तो क्या करे, क्योंकि अपने अब्बू की ये सच्चाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये भी अब कोई हकीकत है या कोई छलावा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मरियम ये पहेली सुलझा कर रहेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।